नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। सबसे पहले मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूं, आज हमारे मकर संक्रांति है, तो हमारे जो सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो साथ में हम अभी मंदिर पहुंच चुके हैं। मंदिर में पूजा पाठ जो है वो जल्दी शुरू करना है, तो उससे पहले थोड़ा सा हवन जो है वो करने पड़ते हैं, जो हमारी जो प्रथा है, जो हमारी प्राचीन परंपरा है। और हमारे जो भजंतरी भी पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो हम अभी पूजा पाठ करने जा रहे हैं, हमारे जो स्नान लगने वाली है, क्योंकि आज हमारे दिक्ता खुड़ीजल जी जो स्वर्ग प्रवास से वापस लौटेंगे, तो उसके बाद जो आगे का हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या होने वाला है आज दिन को। तो अभी हम थोड़ा सा हवन पाठ कर रहे हैं, ये हमारे पुजारी जी थोड़ा सा हवन कर रहे हैं, तो उसके साथ हमारा जो पूजा करेंगे। दोस्तों, दीप्ता खुड़जल जी के दर्शन के लिए देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं। और आज जो हमारे खुड़जल जी स्वर्ग प्रवास से वापस लौटते हैं, और जो देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं प्रभु जी के दर्शन करने। और दीप्ता जी से जो साल भर का जो बताते हैं कि क्या क्या है, कैसे कैसे आने वाला है ये साल हमारे लिए, तो आप देख सकते हैं। और साथ में जो एक बात और थी, हमारे जो आजकल आपको पता है सूखा पड़ा हुआ है, बारिश हो नहीं रही है, तो बहुत से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और देवता जी से बारिश के लिए भी गुहार लगाई है कि बारिश हो जाए, बहुत सूखा पड़ा हुआ है इस साल। तो बाकी देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पे लगातार जो लोग हैं आते रहे हैं, जाते रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं बहुत से लोग बैठे हुए हैं और देवता जी से गुहार लगा रहे हैं, सभी आपस में।